श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री अष्टभुजाष्टकम् इस नाम से एक अद्भुत स्तोत्र ग्रंथ स्वामी वेदांत देशिक से विरचित स्तोत्र साहित्यों में अन्यतम है। जैसे नॉर्थ इंडिया में चार भुजा भगवान प्रसिद्ध हैं, चतुर्भुज भगवान गुजरात प्रांत में एवं गुजरात एवं राजस्थान के बीच में चार भुजा भगवान का सुंदर मंदिर है और जो बहुत प्रसिद्ध भी है, उसी प्रकार कांची क्षेत्र में अर्थात तुंडीर मंडलम ऐसा बोलने के लिए जो बहुत प्रसिद्ध तुंडीर मंडलम है और उस तोंडे मंडलम तमिल भाषा में बोलते हैं, उसमें कांची क्षेत्र विराजमान है। उस कांची क्षेत्र के आजू बाजू में बहुत सारे दिव्य क्षेत्र हैं, उसमें ये यथोक्तकारी भगवान विराजमान है और वैसे अष्टभुज भगवान भी विराजमान है। अष्टभुज भगवान जो है वो ब्रह्मा जी का यज्ञ को अवरोध करने के लिए जैसे सरस्वती जी प्रकट हुई, उसी प्रकार बहुत सारे राक्षस गण भी प्रकट हुए उन सबको वध करने के लिए, और ब्रह्मा जी का यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं अष्टभुज धारण करते हुए भगवान अवतरित हुए, ऐसा इस दिव्य क्षेत्र में कहानी है, दिव्य चरित्र है। उसमें उस भगवान के बारे में 8 श्लोक प्रणयन किए हैं, इसलिए अष्टभुज के बारे में अष्टक ऐसा इसका नाम अष्टभुजाष्टकम हुआ। और एक एक श्लोक को भी हम देखेंगे, अर्थ के साथ देखेंगे। और वेदांत देशिक जी के मुखारविंद से ये निकला हुआ हरेक श्लोक एक मंत्र प्राय है। ये न केवल हम लोगों को ये श्लोक मंत्र मुग्ध कर देता है, परंतु मंत्र का जो फल है चिंतितार्थ चिंतित फल है, मंतारम त्रातीति मंत्रः, जो सोचने वालों को परित्राण करता है, रक्षण करता है, वो प्रभाव भी इन मंत्र प्राय मंत्र के समान रहने वाले इन दिव्य स्तोत्रों को है। आप इस स्तोत्र को पढ़ते वक्त आप समझ सकते हैं कि ये सब किस प्रकार एक हम लोगों को परिवर्तन लाने में सक्षम बनेगा ये सब स्तोत्र, ऐसा हम देख सकते हैं। गजेन्द्र रक्षा त्वरितं भवन्तं ग्राहैरिवाहं विषयैर्विकृष्टः अपार विज्ञान दयानुभावं आप्तं सताम अष्टभुजं प्रपद्ये, ऐसा सामान्य अनुष्टुप छंदस में ही श्लोक है। भले किसी भी छंदस में वेदांत देशिक जी लिखे, परंतु उसमें अंतर्निहित सार तो इतना रहेगा कि वो भरपूर रहेगा। जैसे रसवत फल है, बहुत भरा हुआ रस के साथ एक फल है, उसी प्रकार ये श्लोक भी उतना ही अद्भुत है। गजेंद्र रक्षा त्वरितम एक पद है, गजेंद्र रक्षा त्वरितम, हम गजेंद्र को जानते हैं और रक्षण को जानते हैं, त्वरितम त्वरा यानी शीघ्रता, उसको भी हम जानते हैं। उस प्रकार रहने वाला गजेंद्र रक्षा त्वरित भगवान आपको प्रपद्ये, मैं शरणागति करता हूं। वो कैसे हैं? सताम आप्तम, अच्छे लोगों के लिए वो बहुत ही विश्वसनीय है, आप्त हैं, आप्त यानी बहुत ही अनुकूल हैं, कभी प्रतिकूल नहीं करेंगे। हम भी उनके लिए अनुकूल रहेंगे तो वो भी हमारे लिए अनुकूल रहेंगे, देवताएं जनरली सामान्यतः। और ये देवता तो विशेष रूप से यद्यपि 8 भुजों में 8 आयुध को धारण कर रही है, तो भी हमारे लिए संतों के लिए अर्थात अच्छे लोगों के लिए, भगवान को अस्तित्व को समझने वालों के लिए वो बहुत ही प्रिय हैं और विश्वसनीय हैं और अनुकूल हैं, ऐसा मतलब है। तो गजेंद्र रक्षा त्वरितम, और वो जो गजेंद्र है, गजराज है, एक समय पर वो
और ग्राह से, ग्राह यानी क्या है, वो क्रोकोडाइल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, उसे ग्राह शब्द से कहते हैं। और ग्राह ग्रस्त गजेंद्र, ग्राह ग्रस्त गजेंद्र रक्षण के लिए जो त्वरावान बहुत तेजी से आ रहे हैं अपने लक्ष्मी जी को देखे बिना, और वो सब नीला देवी को भी नहीं देखते हुए, और अपने बहुत सुंदर आदिशेष रूपी जो मंच है उसको भी छोड़कर ऐसे बहुत तेजी से गरुड़, गरुड़ को भी बहुत खींच के लाए थे, गरुड़ का तेजी भी कम पड़ा है उनको, तो जाते वक्त आराम से जा पाएंगे इसलिए गरुड़ को भी खींच के लेके आए थे। ऐसा लीलाम लोलतमाम रमाम अगणयन नीलाम अनालोकयन मुंचन किंच महीम महेश्वरमयम मंचम हठात वंचयन आकर्षण गुजराजमप्यतिचवाद्वाहंतलोकांतरात् गोप्तुम शौरीरुदित्वरत्वरवदे ग्राहग्रहार्थम गजम। ऐसा कवि उल्लेख करते हैं वेंकटाद्वरी जी स्वामी, जो लक्ष्मी सहस्त्र का प्रणेता है, वो विश्वगुणादर्श चंपू नामक अपने ग्रंथ में ये ग्राहग्रस्त गजेंद्र को रक्षण करने के लिए भगवान का बहुत तेजी से आगमन को कहते हैं। हम भी भगवतस्त्वराये नमः, ऐसा भगवान की त्वरा के लिए एक प्रणाम करते हैं हम प्रतिदिन प्रातः प्रातर नमामि प्रातर बजामि, ऐसा श्लोक है उसमें। और भगवतस्त्वराये नमः, भगवान की त्वरा इतनी तेजी से आए हैं ना, उस त्वरा के लिए ये प्रणाम ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारी भी रक्षा के लिए भगवान इतना ही बद्धदीक्ष हैं, परंतु हम चेतन उनके लिए अनुकूल होना है तो वो भगवान भी हमारे लिए अनुकूल बन जाते हैं, यानी प्रतिकूल कभी भी नहीं रहना है भगवान के भक्तों के साथ, या भगवान के साथ कभी भी हम कोई अपचार न करें, उनके साथ व्यवहार एकदम सुधार व्यवहार अर्थात एकदम बहुत आदर के साथ व्यवहार करें, ये बहुत जरूरी है। गजेंद्र रक्षा के लिए जो त्वरित हैं ऐसे भवंतम, आपको कैसे हम आपको शरणागति करता हूं कि ग्राहैरिव अहम् विषयैर्विकृष्टः। जिस प्रकार ग्राह ने अर्थात और उस गज को क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया, उसी प्रकार मैं भी विषयों से, विषय रूपी ग्राहों से, इस दुनिया में ऐसे अट्रैक्टिव बहुत सारे विषय हैं, विषय रुचि पिशाची, ऐसा विषय रुचि, विषय के ऊपर रुचि आ जाना वो पैशाच है, पिशाच है, उससे हम ग्रस्त हैं। दुनिया में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई विषय को चाहता है, कोई स्त्री चाहता है, कोई कामिनी चाहता है, तो कोई कांचन चाहता है, कोई क्षेत्र चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई दूसरों का घर चाहता है, कोई दूसरों की पत्नी को चाहता है। इस प्रकार हम लोग भी विषयों से आकृष्ट हैं, विषयों से विकृष्ट हैं, और एक एक विषय रूपी जो ग्राह है वो हमें पकड़ा हुआ है। हम भी वैसे उसी ग्राह ग्रस्त गजेंद्र की अवस्था में ही हम भी रहने वाले हैं, ऐसा हमारी परिस्थिति को भी भगवान के सामने प्रस्तुत करते हुए, भगवान आप जानते हैं कि उस दिन आप ग्राह ग्रस्त गजेंद्र को रक्षण करने के लिए इतनी तेजी से आए हैं, तो हम भी तो विषयों के वजह से हम भी ग्रस्त तो हैं, विषय कोई ग्राह से कम नहीं है, विषय भी कोई क्रोकोडाइल से कम नहीं है, हमें रक्षण करने के लिए आपको नहीं आना चाहिए क्या? ऐसा भाव जैसे बाहर आ जाए, उसी प्रकार ग्राह ही गजेंद्र अहम विषय ही विकृष्ट। मैं भी विषयों से, ऑब्जेक्ट से, किसी को सुगंध बहुत पसंद है तो कुछ किसी के लिए रुचि पसंद है, और चाहिए तो वही चाहिए प्रसाद जो तिरुमला में लड्डू बनता है, वही हर दिन चाहिए, किसी को संभव है लड्डू हर दिन खाना, शुगर शुगर तो इतना है शरीर में तो भी हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं स्वीट खाना, इस क्योंकि विषय विकृष्ट, रसनेन्द्रिय भी एक ओर से किंचता है और ग्राणेन्द्रिय एक ओर किंचता है, त्वगेन्द्रिय एक ओर किंचता है, इस प्रकार सब इंद्रिय एक एक ओर किंचते हैं, इंद्रिय कोई ग्राह से कम नहीं है, क्रोकोडाइल से कम नहीं है, इस प्रकार हम विषयों से विकृष्ट हो रहे हैं। ग्राहैरिवा अहम् विषयैर्विकृष्टः अपार विज्ञान दयानुभावम्। आपके पास इतना ज्ञान है, अपार विज्ञान,
और करुणा है और आपके पास अनुभव है। क्या क्या है उनके पास? अपार विज्ञान है, अपार दया है, अपार अनुभव है, महिमा है। ऐसे रहने वाले आपको सताम आप्तम, अच्छे लोगों के लिए सदा के लिए रक्षक बन के रहने वाले, विश्वास पात्र बनकर रहने वाले, सदा अनुकूल रहने वाले, सतों संतों के लिए, प्रहलाद जैसे संतों के लिए अनुकूल रहने वाले आपको अष्टभुजम, आठ भुज में, आठ भुज वाला भगवान आपको मैं शरणागति करता हूँ। प्रपद्ये, प्रपद्ये यानी शरणागति करता हूँ, इसका मतलब है। और यो भगवान के पास हमारी रक्षण के लिए क्षमता है क्या, ऐसा पूछे तो उसके लिए अपार विज्ञान दयानुभावम शब्द है। उनका मेरे मेरे तकलीफों के बारे में किसी को, मनुष्यों को मालूम हो या ना हो, भगवान को तो मालूम है। मैंने क्या गलती किया, क्या क्या अपराध किया, किसके लिए क्या पाप भोग रहा हूँ, ये सब का ज्ञान उनके पास है, अपार विज्ञान है। और विज्ञान है तो क्या करेंगे, क्योंकि पाप किया है तो अनुभव करने दो, ऐसा छोड़ देंगे भगवान। परंतु उनके पास दया भी है, इसलिए दया है तो रक्षण कर लेंगे, इसलिए दया भी उनके पास है। दोनों है भाई, बहुत विज्ञान है, बहुत दया है, परंतु क्षमता ना हो तो, और आपके पास सुनने वालों में भी किसी न किसी के पास ज्ञान भी हो सकता है और उनके पास दया भी हो सकता है, परंतु क्षमता ना हो तो, इसलिए महानुभावम यानी उनको उनको दया भी है, अनुभव भी है, महिमा भी है, अपार महिमा। और वैसे महिमा किस प्रकार की है कि न केवल एक प्रकार की महिमा है, अनेक प्रकार की महिमा है। उनके पास आर्थिक कमी नहीं है और क्षमता की कमी नहीं है, धैर्य की कमी नहीं है, इस प्रकार अनेक अनेक गुण गणों की महिमा है। ऐसे महिमाओं से मंडित जो भगवान है और जो सतों के लिए आप्त भी है, इतना होने के बावजूद भी अच्छे लोगों को मदद नहीं करें। मैं भी दुनिया में रहने वाले जैसे खराब लोगों को ही मदद करूंगा। खराब लोगों के लिए मदद करने वाले हजार मिल जाते हैं, क्योंकि वो भी हमारे जैसे है ना, ऐसा सोचकर। अच्छे लोगों को मदद करने के लिए एक अच्छा आदमी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा आदमी को कौन मदद करेगा? बोलते हैं कोर्ट में जाने के बावजूद भी, कोर्ट में क्या बोलते हैं, यार आप तो सही आदमी हैं, आपको क्यों मदद करेंगे लोग। गलत आदमी को हम लोग बचाने के लिए पैसा लेते हैं, ऐसा एडवोकेट्स बताते हैं। परंतु ये भगवान ऐसे नहीं है। सताम बंधुम, सताम आप्तम, अच्छे लोगों के लिए बंधु ये एकमात्र हैं। अच्छे लोगों के लिए भगवान एक ही साथ दे सकते हैं, कहावत भी है, अच्छे लोगों के लिए भगवान के सिवाय कौन है, ऐसा दुनिया में भी कहते हैं। खराब लोगों को मदद करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इस दुनिया में, और उसको रक्षण करना, यार वो फंस गया है और गलत करते पकड़ा गया है तो तुरंत आ जाते हैं। कई सारे एडवोकेट कहीं कहीं से आ जाते हैं, क्या रूल्स में क्या होल है उसके जरिए उसको निकाला जाए, कोशिश करते हैं। वो सही आदमी है तो यार एडवोकेट के बीच में बातचीत हो रही, वो तो सही आदमी है, वो तो सही आदमी है, उसको कौन रक्षण करेगा। ऐसी बातें चलती है एडवोकेट के बीच में भी इस दुनिया में तो। इसलिए इस दुनिया के लोगों से हमें कुछ लेना देना हो ही नहीं सकता है अच्छे लोगों को। इसलिए आप्तम सताम, सताम केवलम आप्तः, ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो भगवान ही है। सताम आप्तम अष्टभुजम प्रपद्ये, अष्ट आठ भुज वाला उस भगवान को हम प्रपद्ये शरणागति करते हैं, ऐसा ये श्लोक है। कितना अर्थगर्भित है देखिए। गजेन्द्र रक्षा त्वरितम भवंतम ग्राहैरिवाहम विषयैर्विकृष्टः अपार विज्ञान दयानुभावमाप्तम सताहमष्टभुजम प्रपद्ये त्वदेकशेषोऽहमनात्मतन्त्रः त्वत्पादलिप्साम् दिशता त्वयैव असत्समोऽप्यष्टभुजास्पदेशम् सत्तामिदानीमुपलम्भितोऽस्मि। पुनः पढ़ता हूँ। त्वदेकशेषोऽहमनात्मतन्त्रः त्वत्पादलिप्साम् दिशता त्वयैव असत्समोऽप्यष्टभुजास्पदेशम् सत्तामिदानीमुपलम्भितोऽस्मि। त्वदेकशेषः अहम् अनात्मतन्त्रः त्वत्पादलिप्सां दिशता त्वया
एव असत्समः अपि अष्टभुजास्पदेश सत्ताम इदानीम उपलम्भितः अस्मि, ऐसा पदच्छेद है। त्वदेक शेषः, ऐसा खुद के लिए विशेषण लगा रहे हैं, मैं कैसे हूँ। त्वदेक शेषः, आपके सिवाय और किसी के लिए नहीं हूँ, मैं आपका ही शेषभूत हूँ, आप सर्वशेषी श्रीयपति ही हैं। शेषी यानी सब व्यक्तियों के लिए जो मास्टर हैं उनको शेषी शब्द से कहते हैं। हम सबके लिए एक मास्टर हैं तो भगवान है, इसलिए वो एक ही शेषी हैं, हम सब उनके शेष हैं, उनके अवशेष हैं, ऐसा अर्थ में शेष है। त्वदेक शेषः, आप एक ही के लिए शेषभूत हूँ, मैं भगवान आदिशेष है, पहले पहले आपका शेषभूत व्यक्ति है, हम तो बीच में बहुत सारे शेषभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मना अतोहमपि ते दासः दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मना। जो जो व्यक्ति भगवान के दासभूत खुद को मानते हैं वो सब भगवान के शेषभूत हैं। इसलिए त्वदेक शेषः, आपके लिए ही केवल हम दासभूत हैं, शेषभूत हैं। ऐसे मैं अहम त्वदेक शेषः अहम अनात्मतंत्रः न आत्मतंत्रः, यानी स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे लिए आत्मतंत्र नहीं है, मेरे लिए खुद के लिए नियंत्रण करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, मेरे लिए खुद को कंट्रोल करने के लिए अथवा खुद को स्वयं रक्षण करने के लिए खुद के पास उपाय नहीं है। जिसके पास उपाय खुद को रक्षण करने के लिए नहीं है वो सब अनात्मतंत्र है, मैं भी अनात्मतंत्र हूँ, सुनने वाले भी अनात्मतंत्र है, चेतन पूरा अनात्मतंत्र है, ब्रह्मा जी स्वयं अनात्मतंत्र है, इंद्र अनात्मतंत्र है, शिव जी अनात्मतंत्र है। इसलिए शिव जी बोलते हैं मंत्र राज पद स्त्रोत्र में, दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मना अतोहम अपि ते दासः इति मत्वा भजाम्यहम् नमाम्यहम्। मैं भी आपका दास हूँ ऐसा समझकर मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा नरसिंह जी भगवान के पास शिव जी स्वयं स्तोत्र कहते हैं, मंत्र राज पद स्त्रोत्र लिखते हैं, पुराणों में उल्लिखित है। त्वदेकतन शेषः अहम् अनात्मतंत्र, खुद को रक्षण करने के लिए खुद के पास उपाय नहीं है। अगर आप कहें मेरे पास मेरा रक्षण के लिए उपाय है तो भगवान छोड़ देते हैं वैसे व्यक्तियों को। तो वो कहानी भी एक कहा जाता है क्योंकि वो केवल व्युत्पादक है, तो कहानी वैसे ही होना ऐसी जरूरत नहीं है, परंतु हम लोगों को स्पष्टता कर दे तो वो कहानी है सत्य माननी जैसा ही हो जाता है। और एक व्यक्ति और एक ब्राह्मण है और वो किसी से झगड़ा हो गया है तालाब में, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ब्राह्मण हैं और एक वहां रहने वाला एक गांव का आदमी है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं तो भगवान तुरंत लक्ष्मी जी को बोलकर निकल पड़े वहां से, उस ब्राह्मण को रक्षण करना है ऐसा। तुरंत वापस आ गए भगवान, लक्ष्मी जी पूछी थी क्या भगवान उनको रक्षण कर दिए हैं आप, नहीं नहीं नहीं, वो स्वयं पत्थर उठा के उसके ऊपर फेंकने के लिए जा रहा है तो मैं कैसे रक्षण करूं। तो उसके पास खुद के पास तंत्र है, खुद के पास उसको बचाने के लिए तंत्र है तो मैं क्यों जाऊं, इसलिए वापस आ गया हूं। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न है क्योंकि अच्छा हुआ आप नहीं गए, तो मुझे आपको छोड़कर एक क्षण भी रहना मुश्किल है, मेरा रक्षक भी आप ही तो हैं, आपके बिना और कोई रक्षक मेरे लिए भी तो है नहीं, इसलिए आप कभी मत जाना इधर से, ऐसा बोल का मतलब वो पत्थर उठाया तो तुरंत वो समझ ले और उसके पास उपाय है यार बचने के लिए, पत्थर ले लिया ऐसा करके छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों को खुद को रक्षण करने के लिए खुद के पास उपाय है ऐसी भावना को छोड़ना ही रक्षण का एकमात्र उपाय है, भगवान रक्षण करेंगे। इसलिए अनात्म तंत्र न आत्मनि तंत्र वर्तते, खुद में कोई तंत्र नहीं है खुद को रक्षण करने के लिए, ऐसी भावना से वो भगवान वेदांत देशिक जी बोलते हैं हम अनात्म तंत्र। त्वत्पाद लिप्साम दिशता त्वयैव, त्वत्पाद लिप्साम आपका जो चरणारविंद है उसे प्राप्त करना है, ऐसी इच्छा को पैदा करने वाला ही स्वयं है आप ही है। मेरे पास भी वो उपाय नहीं है कि भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए इच्छा पैदा करने के लिए भी मेरे पास उपाय नहीं है, वस्तु स्थिति है,
वस्तु स्थिति ये है कि हम भगवान को चाहे तो भी भगवान को प्रणाम करने के लिए हम स्वयं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कई लोग घर पे ही विराजमान हैं, घर से बाहर निकल नहीं पाते। अतः त्वदेक शेषः अहम् अनात्मतंत्रः न आत्मनि तंत्रः वर्तते आत्मनात्मतंत्रः त्वत्पादलिप्साम् आपके चरणारविंद को लिप्सा लब्धुमिच्छा लिप्सा और प्राप्त करने की इच्छा को दिशता देने वाले त्वयैव आपसे ही आप ही दे रहे हैं, मतलब है आप ही आपके चरणारविंद की प्राप्ति की इच्छा को देने वाले आप ही हैं। और अहम मद्भक्तिम लभते पराम जिसको मैं चाहता हूँ उसी को ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते ददामि बुद्धि योगम ऐसे बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे मैं वो मेरे पास आ जाता है, ऐसा भगवान गीता में भी कहते हैं। और नहीं तो हम अपनी इच्छा से इच्छा भी नहीं कर सकते हैं, इच्छा करने के लिए भी भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने के पास के लिए भी हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। हम अपने बच्चों को कई बार बोलते हैं, खुद को भी समझाते हैं, जिग्र ग्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन नमाधोक्षजम अचक्षुष को बताते हैं, आंख को बताते हैं भगवान को देखो, नाक को बोलते हैं भगवान की तुलसी को आग्रहण करो, कोई कुछ नहीं करता है, अपना इंद्रिय जितना बोलने पर भी नहीं कर पाता है, तो मतलब उसकी इच्छा ही नहीं होती है। अगर बहुत भीड़ भाड़ में रहने वाला व्यक्ति भी कहीं सब कुछ छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए तड़पन रखता है, और जो शास्त्र नहीं पढ़ा है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, और एक कोने पर बैठकर अपना धंधा देख रहा है, ऐसे व्यक्ति मंदिर पहुंच जाता है और दर्शन का समय में कभी भी अचूक नहीं होते, तो थोड़ी सी भी गलती नहीं होती है, बराबर उसका टाइम पर दर्शन करके निकलता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो शास्त्र नहीं पढ़े परंतु भगवान की प्राप्ति की तमन्ना रखते हैं, भगवान की प्राप्ति की उत्सुकता रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो इच्छा भगवान से प्रदत्त है, हम अपने हिसाब से हम स्वयं अपने में पैदा नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो पादलिप्साम दिशता देने वाले त्वया एव असत समोपी अदरवाइज असत प्राय है, असत वस्तु के समान रहने वाला ही मैं हूँ, असत समहा हम असत समहा असत असत वस्तु जो है, जो सत वस्तु नहीं है, जो अच्छी चीज नहीं है, खराब चीज है, उसी प्रकार मैं भी एक खराब तत्व हूँ, असत समहा। अभी ऐसा होते हुए भी हे अष्टभुजास्पदेश है, अष्टभुज को अष्टभुज अष्टभुज करके जो भगवान है अष्टभुज आस्पद है, हे अष्टभुजास्पद है ईश है, इस अष्टभुज उस जगह का ही नाम अष्टभुज हो गया ना, इसलिए अष्टभुज नामक स्थल के ये ईश भगवान अष्टभुजास्पदेश है, इदानीम सत्ताम उपलम्बितोस्मि, इतना दिन में असत प्राय था, असत कल्प था, असत के समान था, अभी आपके 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 पास आने के बाद, आपके पास शरणागति करने के बाद, पहले श्लोक में फर्स्ट श्लोक में शरणागति किए, दूसरे श्लोक में सत हो गए हैं, यानी असत समोपी अष्टभुजास्पदेश सत्ताम इदानीम इदानीम, ये दूसरा श्लोक बोलते वक्त ऐसा मतलब है, पहला श्लोक में प्रपद्य बोला, दूसरा श्लोक में आपने मुझे सत्ता एक सत्ता मेरे लिए दे दिया, नहीं तो मैं असत था, अभी सत्ता हो गया कि मैं अस्तित्व को प्राप्त कर लिया हूँ, अभी इतना दिन मैं अस्थि बोलने लायक नहीं रहा। जो भगवान को अपना आधार मानते हैं तब जाकर अस्तित्व बनेगा, कहाँ विराजमान हो भाई, अब मैं मेरे घर में विराजमान हूँ, सब लोग बोलते हैं, आप कहाँ विराजमान हो भाई, मैं मद्रास में विराजमान हूँ, यार वो बोलना छोड़ो, मैं भगवान में विराजमान हूँ, कहाँ सोते हो, मैं भगवान में सोता हूँ, सता संपन्न तदा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति त्वमपि तो भवति तस्मादेनम स्वपिति इत्याचक्षते। स्वपिति शब्द का मतलब है निद्रा पा रहा हूँ, ऐसा मतलब है, स्वपिति वो निद्रा पा रहा है, तो स्वपिति क्यों कहते हैं, स्वकारणभूत परमात्मा में अप्यय लय अपीति ही लया स्वपीति स्वपिति शब्द से बोलते हैं, का मतलब अपने कारणभूत परमात्मा में लय पाना ही नींद है, ऐसा तब तो सत्ता कहाँ है, भगवान में अपनी सत्ता है,
और कहाँ हो भाई, मैं भगवान में विराजमान हूँ, ऐसा बोलने के लिए हम तत्पर होना चाहिए। कहीं भी हम परमात्मा में, परमात्मा को छोड़कर एक क्षण रह नहीं सकते हैं। वो अस्तित्व अगर मालूम हो गया अपना अस्तित्व कहाँ है कि परमात्मा में है, तब जाकर हम अस्थि शब्द से कहने लायक बनते हैं। नहीं तो जैसे जानवर जैसे हस्ति शब्द से बोलने लायक बन जाएंगे, अस्थि शब्द से बोलने लायक नहीं बनेंगे। और सत्ता, अस्थि का मतलब ही सत्ता है। इदानीम सत्ता अनुपलम्बित अस्मि, अभी अभी मैं अस्तित्व को पाया हूँ। द्वितीय श्लोक में जब पहले श्लोक में प्रपत्य शब्द को कहा, तब जाकर मेरा अस्तित्व हुआ। मैं नहीं तो असत समहा, मैं असत प्राय हूँ, असत के समान हूँ। अभी सत्ताम सत्ताम इदानीम उपलम्बित अस्मि, अभी प्राप्त हो गया हूँ, ऐसी भावना इस श्लोक की निकलती है। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए अर्थानुसंधान के साथ पढ़ने में मजा भी आता है। त्वदेक शेषो हमनात्मतंत्रः त्वत्पादलिप्साम् दिशता त्वयैव असत्समः अपि अष्टभुजास्पदेश सत्तामिदानीम् उपलम्बितोऽस्मि। त्वत्पादलिप्साम्, आपके चरणारविंद की प्राप्ति की इच्छा को पैदा करने, दिशता देने वाले त्वया एव, दिशता यानी देने वाले आपसे, ऐसा मतलब है दिशता त्वयैव। सब अर्थ का अर्थ के साथ आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। अर्थ को सावधान सुन लेना और मन में रख लेना। स्वरूप रूपास्त्र विभूषणाद्यैः परत्व चिन्ताम् त्वयि दुर्निवाराम् भोगे मृदुपक्रमताम् अभीप्सन् शिलादिभिर्वरयसीव पुंसाम्। स्वरूप रूपास्त्र विभूषणाद्यैः परत्व चिन्ताम् त्वयि दुर्निवाराम् भोगे मृदुपक्रमताम् अभीप्सन् शीलादिभिः वारयसि इव पुंसाम्। देखो इसका मतलब, स्वरूप रूपास्त्र विभूषणाद्यैः, आपका जो स्वरूप है, आपका जो रूप है, आपका जो अस्त्र है, आपका जो विभूषण है, इन चारों से त्वयि दुर्निवाराम् परत्व चिन्ताम्, आपको देखकर ही ये परतत्व है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ऐसा दुर्निवाराम अनकंट्रोलेबल, जो क्योंकि किसी के भी मन में इस भगवान का स्वरूप रूप अस्त्र विभूषण आदि को देखेंगे तो ये बहुत परतत्व है भाई, ऐसी भावना हमारे मन में कोई भी रोके तो भी हो जाएगा, ऐसा दुर्निवाराम यानी कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं, ऐसा जो परत्व चिंता किसी के भी मन में पैदा हो जाएगी जिस भगवान को स्वरूप को देखकर और उनका रूप को देखकर और उनका अस्त्रों को देखकर, उनके आठों भुजाओं में रहने वाले अस्त्रों को देखकर और कर्ण कुंडल केयूर मकुट मुक्तावतम से कर्णभूषण इत्यादि को देखकर, उनका कंकण इत्यादि को देखकर हम लोगों को ऐसा तो दुनिया में तो कोई नहीं देखे हैं, ये इस दुनिया से परे हैं, ये तो दिव्य हैं, ये भगवान साक्षात श्रीमन नारायण हैं, ऐसी भावना को हम रोक ही नहीं सकते हैं। ऐसा आपको स्वरूप है, ऐसा रूप है, ऐसा अस्त्र है, ऐसा विभूषण है, इस दुनिया में तो हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखे ही नहीं है, उसे देखकर ही परत्व चिंता आ जाएगी, ये परतत्व है, ऐसी चिंतन हमारे मन में रोकने पर भी आ जाएगी। परंतु आप क्या करते हैं, भोगे मृदुपक्रमताम अभीप्सन, और हम आपका अनुभव करने के बाबत में आपको अनुभव करने के लिए किसके मन में तड़पन नहीं है, सब लोग भगवान का आनंद का अनुभव करें, भगवान का अनुभव करें, वही आनंद है, इसके सिवाय दूसरा दुनिया में जो आनंद है लौकिक है वो सब आनंद है ही नहीं, ऐसी भावना भोगे उस प्रकार के अनुभव जनताओं को मिलने वाले अनुभव में मृदुपक्रमताम अभीप्सन ने, और थोड़ा थोड़ा परिचय दिलाते हुए, जैसे माता जी बहुत सुंदर अन्न बनाई है तो भी बच्चा को खिलाते वक्त धीरे 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 खिलाएगी, उसी प्रकार मृदुपक्रमताम अभीप्सन ने, और धीरे शुरू करना है किसी को, किसी भी काम को, आपको मैं अष्टभुजाष्टक बोलता हूँ करके और बहुत बड़ा पंडित मानकर खुद को,
पांडित्यपूर्ण भाषा में बताऊं तो क्या समझ में आने वाला है, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए भक्तों को किस प्रकार खिलाना है उस प्रकार खिलाना चाहिए, और भले वो श्लोक हो, श्लोक का अर्थ हो, भागवत जी हो या श्रीमद् रामायण हो या किसी भी पुराने इतिहास का प्रवचन हो या गीता हो या श्रीभाष्य हो, और श्रीभाष्य जैसे ग्रंथों को भी बहुत सरलता से समझाने वाले हमारे आचार्य हैं, गण हैं, और धीरे 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 समझाएंगे क्या। उसी प्रकार भोगे आपके अनुभव के बाबत में मृदु उपक्रमता, प्रारंभ जो मृदु होना चाहिए उसे चाहते हुए अभी प्रसन्न हे भगवान आप ऐसा चाहते हुए और आपके पास रहने वाला जो परतत्व चिंता को दुर्निवाराम परतत्व चिंताम, और आप स्वयं इतना आभूषण इत्यादि के साथ रहेंगे तो हमारे मन में रहने वाला परतत्व तो छोड़िए, आपके मन में भी मैं परतत्व हूँ ऐसी भावना हो जाएगी ना, उसको भी आप रोक लेते हैं। खुद में आने वाला, खुद के मन में आने वाला जो परतत्व चिंता है उसको भी आप रोक कर शीलाद भी अपने शील यानी एक एक सहजता है, सरलता है, और दीनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दीनों के साथ बंधुता के समान दीनबंधु रहना है और दया प्रकटन करना है इत्यादि जो बहुत ही सॉफ्ट गुणों से शीलाद भी वारयसी वह, और उनके मन में है तो परतत्व है भाई, ऐसे मन में अगर हमारे मन में भावना आ जाएगी तो वहां से दूर से दर्शन करके चले जाएंगे हम लोग। हाँ यार परतत्व है यार, भगवान है भाई, और भगवान तो भगवान होते हैं भाई, हम तो हम हैं, ऐसी भावना हो जाए तो भगवान भगवान के स्थान पर रह जाएंगे, हम अपने स्थान पर रह जाएंगे, दोनों को मेल नहीं खाएगा, दोनों का मेल नहीं हो पाएगा। ये भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हम दोनों का मेल हो, इसलिए अपने शीलादि गुणों से अपना परतत्व को भी दूर कर देते हैं कि यार परतत्व को तो रहने दो भाई, मेरे पास है तो है परंतु काम का नहीं है, हम सरलता से रहते हैं भाई, आप सबको मैं मोक्ष दिलाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे हैं आप सब, कहीं ना कहीं आप और दुर्दिने पतस्कलितम माम अवलोके अच्युत, और दुर्दिन में कभी अच्छा समय नहीं था तो आपका खराब समय आया तो मेरे मार्ग से हटके चले गए हैं, आप सबको मैं अभी फिर से मेरे पास लेना चाहता हूँ भाई, आ जाओ भाई, कि आप सहजता से बात करने वाले भगवान हैं, अपने शीलादि गुणों से भी युक्त हैं, ऐसे शीलादि भी ही वारयसी है, उनको रोक देते हो। और मनुष्यों को भगवान के अनुभव की बाबत में जो मृदु उपक्रमता को चाहते हुए, और मृदु उपक्रम होना चाहिए, और नहीं तो क्या है, वो तो भगवान है भाई, उनका तो उपनिषदों में गुणागण वर्णित है, अपतपात्मा विजरहा विमृत्युर्विशोका विजिगत्सा पिपासा सत्य का महासत्य संकल्प, ऐसा वर्णन आता है भाई, वो तो बहुत बड़े आदमी है, मालूम है ना आपको, ऐसा बड़ा आदमी है तो कोई जाने के लिए भी हम लोगों में हिम्मत नहीं होती है, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया में भी देखे हैं हम लोग, जिनके पास कभी भी जाना संभव भी नहीं है हम लोगों को, इससे अच्छा है सरल सरल व्यक्ति भगवान के पास हम जाएंगे तो अपना काम हो जाता है, इसके पास क्यों जाना है भाई, वो तो वहां द्वारपालक भी अंदर नहीं घुसाएगा कि ऐसी हालत है इधर, तो इसलिए हम लोग जो सरल व्यक्ति हैं उनके साथ सरलता से रहना हम भी पसंद करते हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम सरलता से रहें, इस प्रकार नहीं तो मृदु उपक्रम होना चाहिए। आचार्य के पास जाते हैं पढ़ने के लिए तुरंत वो हजार प्रश्न पूछे, ये मालूम है वो मालूम है, नहीं तो ये सबके बिना कैसे मेरे पास आने की हिम्मत हुई, ऐसा प्रश्न करें तो कौन उसके पास जाएगा। हाँ भाई, ऐसे आना वालों की संख्या आजकल बहुत कम हो गई, तुझे पढ़ने की इच्छा है ना तो मैं पढ़ाता हूँ कैसे भी करके, आओ थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ऐसा करके मृदुपक्रम करके कठिन विषयों को भी समझाने वाले, मृदुपक्रम करके कठिन विषयों को भी समझाने वाले जो आचार्य हैं उन्हीं के पास जाएंगे, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं, इसलिए स्वयं भगवान आचार्य का अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान रहे तो वो अपनापन आ जाता है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ ऐसी भावना आ जाती होगी, तो इसलिए मनुष्यों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मनुष्यों के बीच में मनुष्य रहना बहुत अच्छा है, मनुष्य रहना ही
भगवान पसंद किया, इसलिए आचार्य अवतार लिया है। और आचार्य जैसे मृगयूरी वकुरंगी स्वाम पुरस्कृत भव्याम, ऐसे आचार्य वर्णन करते हैं पादुका सरस में। वेदांत देशिक जी स्वयं इसी ग्रंथ के जो कर्ता हैं, वो जैसे मृग को पकड़ना है तो और एक मृगी को वहां रखते हैं, हिरण को पकड़ने के लिए हिरण का ही उपयोग होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य को पकड़ने के लिए एक आचार्य रूपी मनुष्य को वहां रखते हुए। और हमारे दृष्टिकोण से तो आचार्य भगवान ही हैं, और भगवान के दृष्टिकोण से भले आचार्य मनुष्य हो सकते हैं, परंतु हमारे दृष्टिकोण से तो आचार्य भगवान स्वयं हैं, इसलिए उनके द्वारा हमें पकड़ते हैं। उसी प्रकार मृदुपक्रम करके अपना अपहत पापमा विजरहा विमृत्यु इत्यादि गुणों को धीरे धीरे प्रकट करेंगे। प्रारंभ में दया वात्सल्य इत्यादि की बात करते हैं, इत्यादियों से बात करते हैं, वो तब जो कर भगवान के पास हम चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। हर दिन नित्य सेवा करना शुरू करते हैं, छत्र चामर इत्यादि लगाना शुरू कर देते हैं। कांचीपुरम में छोटे बच्चे भी भगवान की सेवा में सदा अन्वित रहेंगे, ऐसे भगवान की सेवा में हम लगे रहते हैं, और धीरे 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 भगवान का दिव्य स्वरूप और अपहत पापत्वादि स्वरूप आचार्यों के मुंह से बाद में श्रीभाष इत्यादि के कालक्षेप के समय में सुनते हैं। और वही दयावान भगवान इतने विस्तृत, इतना गंभीर गुण संपन्न है, ऐसा बाद में पता चलता है। इसलिए भगवान मृदुपक्रम करते करते, मृदु का नहीं, क्या है मृदुपक्रम का मतलब, क्या है, धीरे धीरे प्रारंभ करना, ऐसा शुरू करना। बोलो, कौन बोलेगा, आई उन रिलक बोलो, तो सॉरी सर मेरे आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, बस हम चले जाते हैं कि आप दूसरे यहाँ जाएंगे, और ऐसे चले जाएंगे। आप प्रारंभ कैसे करना है, बच्चों की पढ़ाई ऐसे शुरू करना है, वैसे हम लोगों को भी भगवान धीरे 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 अपना परिचय कराते हैं, दया से प्रारंभ करते हैं, शील से प्रारंभ करते हैं, बाद में बड़े बड़े गुणों को भी दिखाते हैं, तब जाकर हमें भगवान का पूर्ण स्वरूप पता चलता है। वो ये भगवान अष्टभुज में विराजमान भगवान हम लोगों को शिलादिर्वारयसी पुंसाम पुंसाम पुरुषों के लिए जो भय है, और मैं कैसे उनके पास जा सकता हूँ, ऐसा उस जो डर को दूर करने के लिए मृदुपक्रमता को चाहते हुए मृदुपक्रमता अभीप्सन स्वरूप रूप अस्त्र विभूषण ही तो दुर्निवाराम परस्पर चिंताम, और आपके आभूषण इत्यादि को देखकर तो डर ही जाएंगे, इतना बड़ा भगवान है तो मैं कैसे उनको पा सकता हूँ, ऐसे डर देंगे, डर जाएंगे, क्या डर जाएंगे ना, नरसिंह भगवान आए तो प्रह्लाद के सिवाय सब लोगों को डर है, प्रह्लाद जी जानता है उनका शील इत्यादि को, और बाकी लोग तो नहीं जानते हैं, सब दे लक्ष्मी जी स्वयं इस अवतार को तो इसके पहले नहीं देखी तो वो स्वयं डर गई, और प्रह्लाद जी ही उनको सांत्वना देते हैं, शांत करते हैं, उनका जो गुस्सा है उसे कम करवाते हैं, बाद में लक्ष्मी के साथ विराजमान लक्ष्मी नरसिंह भगवान दर्शन देते हैं हम लोगों को आज हो भगवान है? तो अष्टभुज भले भगवान के हाथ में सब अस्त्र इत्यादि हैं, तो भी शीलादि भी उन सबको रोक देते हैं, दिखाते नहीं है, अपना शीलता को, अपने गुणवत्ता को, अपने दयावत्ता को ही प्रकट करते हैं, ऐसा इस श्लोक में तात्पर्य निकलता। असो मैं अभी एक बार फिर से बोलता हूँ, स्वरूप रूपास्त्र विभूषण परत्व चिंताम तो दुर्निवाराम भोगे मृदुपक्रमताम अभीप्सन शीलादिभिः वारयसीव पुंसाम शक्तिम शरण्यांतर शब्द भाजाम सारं च संतोल्य फलांतराणाम स्वदास्य हेतोस्त्वयि निर्विशंकम् न्यस्तात्मनाम नाथ विवर्षि भारम शक्तिम शरण्यांतर शब्द भाजाम। शरण्यांतर शब्द भाजाम सारम च संतोल्य फलांतराणाम त्वदास्य हेतोः त्वयि निर्विशंकम् यस्तात्मनाम नाथ विभर्षि भारम। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान अपना पुण्य पाप रूपी जो कर्म है वो सबका भार को स्वयं विभर्ती, स्वयं धारण करते हैं, अपना पापों को भी पापों से हमें जो बचाने का काम को भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं। यार तुम्हारा रक्षण तो मैं करूंगा,
तू क्यों चिंता करते हो, ऐसा बोलने वाले भगवान हैं। क्योंकि ब्रह्मा शिव यानी इत्यादि देवताएं भी अपने आश्रितों का रक्षण करते हैं और शरण नाथ है हे भगवान स्वामी शरण्यांतर शब्द भाजाम ये भी शरण्य है शरण्यांतर भगवान शरण्य है सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदेत माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थित रामायण में सर्वलोक शरण्याय सर्वलोक के लिए भी शरण्य एक ही है तो भगवान श्री राम जी हैं विष्णु स्वरूपी हैं बाकी तो हाँ मैं भी शरण्य हूँ मैं भी रक्षा कर सकता हूँ ऐसा बोलेंगे यार ये गोदरेज बीरो कौन यार बेचते हैं यार मैं भी बीरो बेचता हूँ ऐसा बोलेंगे एक इधर कांचीपुरम में बीरो खरीदने के लिए निकला कबाट पुस्तक रखने के लिए तो कबाट बेचने वाले बहुत निकले परंतु सब लोग स्टील नहीं अच्छा स्टील नहीं है वो कोई ऐसा दूसरा नंबर का एक तगरा बोलते हैं उसे तगरम बोलते हैं तमिल भाषा में उससे बनता है उसको रखते हुए गोदरेज केवल नाम रख देते हैं कभी कभी दूसरा और गोदरेज जी ओ डी ऐसा कुछ लिख देते हैं क्योंकि गोदरेज कंपनी का ओरिजिनल कंपनी का जैसे आता है वैसे थोड़ी ये दूसरा बना सकते हैं अच्छा नहीं बनता है और जैसे मांगे तो हाँ हम भी बनाते हैं ऐसा बोलते हैं उसी प्रकार शिव जी हाँ मैं भी रक्षण करता हूँ ब्रह्मा जी हाँ मैं भी रक्षण करता हूँ ऐसा बोलने वाले हैं बस वस्तुतः सर्वलोक शरण्य कौन है विभीषण स्वयं कहते हैं सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने श्री शिव जी को भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो किसके पास जाना है तो विष्णु के पास जाना है काशी वृकांतक शरासन बाण गंगा संभूति नामकृति संबदनाद्युदंत ही ऐसा श्लोक में शरणागति दीपिका में बताने वाले हैं हम लोग जब शरणागति दीपिका देखेंगे उन सब वृत्तांतों को देखेंगे जिन वृत्तांतों में शिव जी स्वयं अपने रक्षण के लिए विष्णु का के पास जाना पड़ा हो ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हम देखने वाले हैं शरण्यांतर शब्द बाजा मैं भी शरण्य हूँ ऐसे बहुत सारे लोग खुद को भी कई लोग पीएचडी मिलते हैं आजकल तो पीएचडी को बहुत बराबर करके पीएचडी शब्द का अर्थ को एकदम अनवर्थ करके बहुत बड़ा खोज करके जो ग्रंथ निकालते हैं वो सब रह जाते हैं और बहुत सारे लोग पीएचडी घूमते हैं अरे मैं भी रक्षक हूँ ऐसा बहुत सारे रक्षक इधर भी घूमते हैं ये क्या रक्षण करेगा ये स्वयं आरक्षण से आए हैं तो ये क्या रक्षण करेगा और इसलिए स्वयं आरक्षित पोजीशन में बैठ जाने वाले लोगों को क्या रक्षण दूसरों को कर सकते हैं नहीं कर सकते परंतु बता रहे हैं मैं भी शरण्य हूँ हाँ शिव जी नाम मुझे नाम दो मुझे रूप दो ऐसा रोए इसलिए रोदनाथ रुद्र ऐसा बोले जाते हैं तो वो कहाँ दूसरों का रक्षण कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं नहीं तो हम अम्बरीश को रक्षण कर देना चाहिए था और वृकासुर का रक्षण कर देना चाहिए था बाणासुर का स्वयं रक्षण कर देना चाहिए था नहीं कर पाए न इत्यादि बहुत सारे वृत्तांत हैं शरण्यांतर शब्द बाजाम मैं भी शरण्य हूँ ऐसे बोलने वाले शिव जी और ब्रह्मा जी इंद्र वगैरह लोगों से देखिए सारम च संतोल्य फलांतराणाम उन लोगों से दिया जाता जो फल है उसको और इसको हम कौन सा बेटर है कौन सा अच्छा है ऐसा देखेंगे तो और भगवान से प्रदीयमान फल ही श्रेष्ठ रहेगा यानी बहुत उत्तम रहेगा सारम च संतोल्य फलांतराणाम जो बाकी शरण्य लोग हैं तथागतित शरण्य लोग हैं तथाकथित यानी सो कॉल्ड रक्षक ऐसे तथाकथित बोलते हैं हिंदी में तथाकथित शरण्यों के फल जो है वो छोटा रहेगा अल्प रहेगा बड़े देवी दे कैलाश थोड़े दिन के बाद वापस और वैकुंठ जाएंगे तो कभी वापस नहीं आ सकते हैं वहां ही रहेंगे आराम से इतना बड़ा फल देने वाले हैं इन दोनों को सारम से संतोल्य है इन दोनों को हम माप करके देखेंगे तो प्रमाण करके देखेंगे तो कौन सा ऊंचा है
निर्विशंकम त्वदस्य, तो तब पता चल जाता है विदाउट एनी शंका, निशंकम निर्विशंकम, निर्विशंकम यानी जिसमें डाउट ही नहीं है, तो दास्य है तो हो त्वयि, आप ही के दास्य बनना, आपका दास बनना ही उचित है, इतर देवताओं का दास बनना उचित नहीं है, उनसे दीयमान फल अत्यल्प है, आपसे दीयमान के फल के तुलना में वो कमजोर है, ऐसा समझकर अच्छी तरह निर्विशंकम त्वदास्य है तो हो, आपकी सेवा करने के लिए आपका जो दास्य बनने के लिए, तो न्यस्तात्मनाम आपके पास न्यस्त आत्मनाम आत्मा को भी समर्पित करने वाले, बर समर्पण करने वाले, आत्मसमर्पण करने वाले, खुद को न्यौछावर करने वाले लोगों को पारम बारम विवर्षी, उन लोगों को रक्षण का जो बार है, उन लोगों को पाप पुण्यों से रक्षण का जो बार है, उसे आप स्वयं भरण करते हैं, बार भर समर्पणम, हम भर को भगवान के पास समर्पण कर देते हैं, इसलिए उसको भर समर्पण बोलते हैं, आत्मनिवेदन बोलते हैं, और प्रपत्ति बोलते हैं, या शरणागति बोलते हैं, ये एक ही तंत्र है, इसके अलावा कोई स्वतंत्र नहीं है, आत्मरक्षण के तंत्र है ही नहीं, आत्मरक्षण का एक ही तंत्र शरणागति है, उसको जो हम समझकर बाकी लोगों से दिया जाता जो पल है वो अत्यल्प है, ऐसा भी समझकर तुलना करके समझकर जो व्यक्ति इस भगवान के पास अपना भर समर्पण करते हैं, उनका भार को स्वयं वहन करते हैं, ये भगवान अष्टभुज अष्टक है, अष्टभुज है, ऐसा उनके बारे में आठ श्लोक में चार श्लोक हुआ अभी। शक्तिम शरण्यंतर शब्द भाजाम सारम च संतोल्य फलांतराणाम त्वदस्य हेतो स्वयि निर्विशंकम यस्तात्मनाम नातपिपरिषि पाहर। ये चार श्लोक से अभी समाप्त करते हैं, बाकी श्लोकों को अगले के क्लास में समाप्त करेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।